रीवा जिले से है, जहां केंद्रीय जेल रीवा से संबंधित सीधी जेल में पदस्थ आरक्षक सतीश मिश्रा ने जेलर राघवेंद्र अग्निहोत्री पर मारपीट करने और कैदियों से मरवाने का आरोप लगाते हुए अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरक्षक सतीश मिश्रा ने बताया कि जेलर के द्वारा जूते से मारा गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसके फुटेज निकलवाने की प्रधान आरक्षक सतीश मिश्रा के द्वारा मांग की गई है। बताया जाता है कि आरक्षक सीधी जिले में पदस्थ है और उसका परिवार रीवा शासकीय क्वार्टर में रह रहा है। हालांकि उक्त आरक्षक कई बार शराब के नशे में रीवा शहर में हंगामा करते देखा गया है और बताया जाता है कि नशे का शौकीन है। पूरे मामले को लेकर जब जेलर राघवेंद्र अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरक्षक का ट्रांसफर सीधी के लिए हो गया है, लेकिन उसे शंका है कि उसका स्थानांतरण मेरे द्वारा करवाया गया है। इसी गलत फहमी में शराब के नशे में जेल पहुंचा था, क्योंकि आरक्षक नशे में था इसलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके चलते मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं आरोप लगाने वाले जेल प्रहरी और जेलर श्री अग्निहोत्री का पूरे मामले में क्या कहना है। चलिए ना, हम जेलर के सामने बोल रहे हैं ना, जेलर ने मारा है। बताओ कौन मारा, क्या दिक्कत है? जेलर अग्निहोत्री ने हमको जो है तो पकड़ के मारा है, क्योंकि मैं अधीनस्थ कर्मचारी हूँ यहाँ, मैं अपनी समस्या बताने आया था। कहाँ पर पकड़े? अपने बंदियों से खुद जूता से मारा है। वीडियो वीडियो जो है आप जो है वहाँ से निकलवाइए। कहाँ पदस्थ है? मैं सीधी में अभी पदस्थ हूँ, लेकिन अधीनस्थ जेल जो है सीधी रीवा जेल के अंतर्गत आती है। अधीनस्थ जेलर द्वारा मेरे लिए इस तरह किया गया है। बताइए मान्यवर, मेरा MLC का मैं ठीक कह सकता हूँ। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार मिश्रा नाम है मान्यवर। क्या 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 घटना हुई आपके साथ? मेरे को जेलर द्वारा जूते से मारा गया है मान्यवर, और बंदियों से जूते से मरवाया गया है, जिसका वीडियो आप खुद निकाल सकते हैं मान्यवर। 10 बजे से 12 बजे के 1 बजे के बीच का वीडियो आप निकलवाए जेल का मेन गेट का मान्यवर, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ये कौन मरवाया है, कौन से जेल का मामला है? जेल केंद्रीय जेल रीवा मान्यवर। अधीक्षक साहब मेरे नहीं थे। क्या कारण था मारपीट का? मुझे नहीं मालूम मान्यवर, मैं तो विनती करने गया था। मिश्रा है, क्या क्या नाम है? सतीश कुमार मिश्रा। न्याय देंगे या कि मुझे फांसी करवाएंगे? आत्महत्या करने के लिए मुझे अनुमति दिए जाए। ये बताइए आपके साथ कौन कौन मारे हैं, कितने लोग मारे हैं? साहब मैं राघवेश अग्निहोत्री को पहचानता हूँ। आप कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरी पोस्टिंग वर्तमान में तो मान्यवर सीसी हो गई है, सीधी जेल में। जी मान्यवर, लेकिन मैं यही पदस्थ था, केंद्रीय जेल रीवा में पदस्थ था मान्यवर, आपके यही अधीनस्थ था। तो आप कमरों उमरा अलर्ट के लिए गए? जी मान्यवर। तो क्या कहें जेलर द्वारा आपको? जेलर द्वारा मारपीट की गई मेरे साथ मान्यवर। कितने बजे की? कमरा खाली कराया गया, करवा रहे हैं जबरदस्ती मान्यवर, मेरे पास चल के निरीक्षण कर लिया जाए। कमरा खाली, कमरा खाली हो गया क्या आपका? मैंने अभी चाबी नहीं दिया मान्यवर, मैं सिर्फ एक चटाई में और कंबल में जीवन यापन कर रहा हूँ। जेलर भी आपके साथ मारपीट किए हैं? जेलर ही जूते से मुझे मारा है मान्यवर। क्या नाम है जेलर का? राघवेश अग्निहोत्री, रीवा जेल। लिखिए आवेदन है मान्यवर, मैं नहीं लिख पा, मेरा हाथ पैर मान्यवर, आप लिख दे बड़ी कृपा। इस तरह कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाना नहीं है मान्यवर, जहाँ नौकरी की है तो क्या हमारी जान ले लोगे? हम आपके अधीनस्थ हैं तो मान्यवर हमारी जान ले लोगे? ये आरक्षक के साथ एक मारपीट हुई है जेलर द्वारा, आप बताया जा रहा क्या? हाँ, ये के वरिष्ठ जेल प्रहरी हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा अभी थाना उपस्थित आया गया है। बता रहे हैं कि जेलर है वहाँ पे, वो क्वार्टर खाली कराने के नाम पर मारपीट की गई है, उनका MLC कराया जा रहा है, आवेदन लिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। जी सर, ये सतीश मिश्रा का आरक्षक है अपने यहाँ, अपने यहाँ तो नहीं है, केंद्रीय जेल में है, बाकी सीधी में शायद पदस्थ है। तो इसने अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराया कि आपके द्वारा और कैदियों से मारपीट की गई है जूता के द्वारा, क्या मामला है सर, कहे के लिए इस तरह से कह रहा है?
कोई ना कैदी से मारपीट की गई है ना उससे मारपीट, वो दारू पी के सवेरे यहाँ हंगामा कर रहा था, जेल के अंदर नहीं जाने दिया। ये तो अक्सर दारू पी के देखा गया है सर, सिरमौर उरमौर चौराहे में, तो वही आ रखे ना सतना जिले कहीं का रहने वाला है क्या ये? अच्छा, तो आज भी ये नशे में था? तो सर कुछ विभागीय कार्रवाई की जाएगी क्या इसके खिलाफ ऐसा? और हाँ, विभागीय कार्रवाई के लिए मैं करूंगा। जी जी, तो अक्सर नशे में आता है सर ये क्या जेल या ड्यूटी में रहता है? नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ से ट्रांसफर हो गया है सीधी। जी, तो सीधी ट्रांसफर हो गया है तो उसके मन में ये ग्रंथि है कि हमने कराया। अच्छा अच्छा, यही कहनी कह रहा था कि आपने हमारा ट्रांसफर करा दिया, ड्यू लेटर लिख दिया। ड्यू लेटर हमारे हमें ना अधिकार है ना हम लिखते हैं कार्यालय की ओर से, बड़े साहब लिखते हैं जेल अधीक्षक महोदय। जी जी, कार्यवाही वहाँ अगर हुई होगी तो वहाँ से होती है, अधीक्षक महोदय की ओर से, हमने तो उसका कोई ड्यू लेटर नहीं लिखा। जी जी, और मेरी समझ से ना कार्यालय हुई है, वो भगवान जाने, तो आप उसका आरोप है कि हमने कर दिया इसलिए हमसे वो कर रहा था। अच्छा, इसी को लेते वो हंगामा कर रहा था, हमने अंदर नहीं जाने दिया। बिल्कुल, इसकी शिकायत थाने में अपने द्वारा नहीं की गई कि सर आपके नशे में आ रहा सर इस तरह से? अभी अभी तक मुलजिम थे उनको छोड़ने की कार्यवाही कर रहे थे, मुलजिम छोड़ा, सरकारी काम निपटाया, अब घर आ गए खाना खाने, अब इसके बाद जाएंगे शाम को तो उसका बनाएंगे लेटर भेजेंगे। चलिए ठीक है, मुख्य कारण यही है कि उसका ट्रांसफर हो गया सीधी के लिए, तो आप पर वो लग रहा है कि ये करवा रहे हैं सर, आप नशे में इसलिए पहुंचा? हाँ, नशे की हालत में। ठीक है सर, सीधी पोस्टिंग। ठीक है सर, ठीक है।